हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सुबह के 5 बज गए हैं। अभी हम अपने खेतों के पास और बाग के नज़दीक घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है और हम इधर देख रहे हैं, इधर कोहरा पड़ा है। कोहरा काफ़ी तेज, जिस टाइम का कोहरा है तेज है। और लगाओ सर, भागो और तेज डेला, और तेज और तेज। तो गाइस ये देखिए, बाल काफी बड़ी बड़ी आ चुकी है। तो पूरे सारे खेत अभी सूख रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। में भी कीड़े लग रहे हैं, ये देखिए पत्तों में दवा छिड़कनी पड़ेगी। काफी कीड़े आ रहे हैं अरहर में। काफी मस्त अरहर है, काफी इसमें बांस द्वारा रूना गया है। लीलगाय काफी परेशान कर, आलू का खेत बन रहा है। कुछ ही दिन बाद अब आलू इसमें लगाया जाएगा। गाय जी हमारी बड़ी बड़ी भैंसे हैं, ये बड़ी वाली है, ले आजा। बड़ी बड़ी भैंसे हैं, ये दिखा रहे हैं आपको। ये बड़ी वाली भैंस है हमारी, ये उससे छोटी वाली है, ये भी बड़ी है। बाकी सब इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये है, उठ रही है अभी, ये वाली उठ गई। इसकी आंखें देखो, दूसरी मॉडल आंख है और सब की तरह आंख इसकी अलग है। पकड़ रहा छोड़ा जी। हेलो गाइस, प्रतीक जी अभी छोटी सी भैंस बांधने जा रहे हैं। हट हट हट, चल बाबू पकड़ लिया। हैं दुकान में बैठे हैं, तो बैठे बैठे यहाँ हम लोग मस्ती ले रहे हैं। छोटुआ भाई गुब्बारा वो है यार, भाई भाई ओ, ओ, ओ. और हम लोग चलते हैं, गुब्बारा फुलाते हैं। और हम तीनों भाई यहाँ बैठे हैं अभी, तो एंजॉय करते हैं। साइकिल में लगाते हैं तो वो हम लोग उसको आज बुलेट बना देंगे। बढ़िया है। आशीष भाई गुब्बारा फुला रहे हैं। कितना हवा लगी भाई? 10 ग्राम। 10 ग्राम हवा में इनका गुब्बारा फूल गया। और हम आशीष भाई अब की बार मेले में भी लगाएंगे, गुब्बारा बेचेंगे। तभी हम लोग इसको चलाएंगे, बुलेट मॉडल आवाज निकलेगी। भाई कोट्टे तुम्हारी साइकिल के दाम लग रहा है। सही से लगाए भाई, अब बड़ा बड़ा लगाए दे यार। सही लगा भाई।
लगा भाई लगा लगा करोड़पति लगे हुए हैं लगा था क्या करोड़पति लगाओ यार और टाइट करा टाइट करा और थूक लगाए दे तब चिड़चिड़ाई हेलो गाइस तो हम लोग की बुलेट तैयार हो गई है अब स्टार्ट करते हैं अभी प्ले के चल बाइक पर आउट टाइट कर आउट टाइट कर सोच भाई भाई ये विदेशी आदमी इनका मॉडल और सब कुछ अलग है कहाँ भाई कहाँ से आया जर्मन जर्मन शेफर्ड तो का चेंज कर तो का चेंज कर टाइम बुलाया हम ज्यादा कौन परिवर्तन हुआ भाई का बेटे बहुत बेवकूफ लखा था जी भोजन भूत भसी जाओ थे अगर खाली में चिकन सब अरे आज तो पहलू पड़ता है क्या पानी कितना पेट का भाव है ये सब सायद अच्छे का अब जो जरूर आपने कुछ आवाज़ आता ही है ना 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 वो लोग तो आया हो जाएंगे पक्का है वो लोग इतना दोहार के ते ना जाते तब आशीष भाई पान पिया यार ना यार पिए तो कोटेस छोड़ ला यार ये तो जान ला व्यवहारिक आदमी है आशीष भाई पानी पिलाओ यार ये कौन डब्बा है वो हमका लागत आ है वैसे डब्बो ही दिखाता है हेलो फ्रेंड्स हम लोग आज गोमती नदी घूमने आए हैं और छोटू भैया आप कहाँ घूमोगे नदी 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 घूमने आए हैं एक बार बाय करो उसमें बाय बोलो बाय तो हम लोग एक बार घूमने आए हैं चारों तरफ आपको दिखाते हैं हमारी ये बांस के कोट हैं काफी तो बहुत सारे कोट हैं लंबे लंबे बांस हैं और बहुत घना जंगल भी हो गया है बरसात बीत चुका है और मुकुंद भाई भी साथ में हैं तो हम लोग आज आए हैं गोमती नदी घूमने के लिए गोमती नदी में काफ़ी बाढ़ आ गई थी तो आज हम काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं देख रहे हैं गोमती नदी में अभी कितना पानी है चलते हैं किनारे तक जिस रास्ते से जा रहे हैं हम देखिए कितना नाला है पीछे कितना झाल झाल कूट है और ये पतझड़ से कितने हो गए हैं और वाह बहुत मस्त नज़ारा है और हम दिखा रहे हैं गोमती नदी में बीच में सूखा पड़ गया है बीच में और ये काफी फास्ट पानी है कुछ भाई लोग उधर नदी पार मनोरंजन ले रहे हैं एक लेडीज भी आ रही है छोटे छोटे कदमों से और हम दिखा रहे हैं चारों तरफ का नज़ारा और ये पानी आगे शायद कोई नहा भी रहा है पानी बहुत चिड़चिड़ा रहा है और प्रतीक बाबू नहाओगे प्रतीक
नहाओगे? जाना। कौन सी नदी में नहा रहे हैं? आज नहाने के लिए आया लिवा करके। हाँ बाबू, उतारो उतारो उतारो, गोड़ चलाओ तेजी से। हाँ और तेज और तेज और तेज, गोड़ चलाओ। हाँ तैरो तैरो, हम पकड़े हैं, तैरो और तेज और तेज और तेज और तेज। बस करना है, पहुंच जइयो परवा भाई तुरंत। प्रतीक तैराक सीख रहे हैं अभी, इनको सिखाने लाया हूँ कि नदी में कैसे तैरा जाता है। और एक अकेले रहिए, पता लगे चौराती बाबा घंटे जाएंगे नहीं। पौड़ पौड़ प्रतीक नदी पार कर दिए ना, लगाई दे एक घंटे की खड़े ही चला जा। चला भाग, चला चला घर। तो गाइस, तो हम लोग अभी नदी गए थे, प्रतीक खूब नहाए हुए हैं नदी में, और हम लोग भी काफ़ी इंजॉय किए हैं। चल रहे हैं दुकान की तरफ, तो वहाँ भी खूब इंजॉय करेंगे, दुकान चलाएंगे अपनी। और भाई हेलो गाइस, तब हम चल रहे हैं, थोड़ा सा गांव में जाएंगे और गांव का भी इंजॉय करेंगे। इस समय हम जा रहे हैं मुकुंद भाई के यहाँ। मुकुंद भाई, आज पहली बार ड्राइव कर रहे हैं हमारी गाड़ी में? दूसरी बार। और हम चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी बाइक है हमारी, हम जब इस पर बैठते हैं हमको खूब मज़ा आता है, चलाने में काफ़ी मस्त है, तो सटेबुल है काफ़ी। और ये हमारा घर है, छोटा सा घर जिसमें हम और हमारे परिवार के सभी लोग। यह ऐसे चल रहा है, जोनिक मन का भी कहीं चली, तोरे घर कहीं चली। हम यहाँ से चलते हैं आप मुकुंद लाल भाई के घर। मोनू मोनू अभी गदेला खिला रहे हैं। गदेला प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, ऐसी रास्ताओं से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। और यहाँ हम दिखा क्या कर रहे हैं ना, गड़बड़ रास्ता है। भाई भैया मछली लगा होता का हाल चल रहा है? कुछ भैया लोग हैं यहाँ गड़ही में मछली पकड़ रहे हैं। निपोरा हमका लागत बा, निपोरा। और अनिल भैया का हाल चाल बा, पायक ना एक को चार पॉइंट है। हेलो गाइस, तो अनिल भाई साहब आए हैं, हमारे फ्रेंड हैं, काफी पुराने मित्र हैं। आज यहाँ मछली पकड़े हैं छोटी छोटी, या हमें बड़ी की पकड़ा है यहाँ। और खास कर ये बढ़ई है, ये आज भी बढ़ई का काम करते हैं। हम मछली मारने का कुछ टेक्निक दिखा रहे हैं भाई साहब, ऐसे पता नहीं क्या लगा रखे हैं इसमें, एक धागा एक लग्गी है, लग्गी हाथ में पकड़े हुए हैं और ये ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं लिफ्ट, तो काफी तेज उसमें जब पकड़ दी, पता नहीं कैसे समझ पाते हैं कि इसमें पकड़ लिया है और उसको उठाकर बाहर कर देते हैं। नहीं, पानी भी नहीं लगता गढ़ाई में। यार पानी है ना बना, तो बहुत छोटी मछलियों का शिकार हो रहा है, तो और हटाओ इधर, इससे बड़ी मछलियों का शिकार होगा अभी। भाई साहब भी घूम रहे हैं गांव-गांव में, अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, साइकिल से घूम रहे हैं और गांव-गांव में। तभी का काम करते हो भैया? बहुत काम। ये इनका सामान है, ये बिकना वगैरह बनाते हैं, दाल वाल झाड़ने के लिए। क्या क्या बना लेते हो भैया? बहुत कुछ। बहुत कुछ में क्या क्या? बाल्टी, कड़ाही, पेटी, कुकर, गैस चूल्हा। अच्छा अच्छा, गैस चूल्हा वूल्हा भी खराब बना लेते हैं, छाता वगैरह सब बनाते होंगे। गाइस, भाई साहब गांव-गांव में थोड़ा सा अपना बिजनेस चला रहे हैं, गैस से गैस क्या बोलते हैं उसको, गैस चूल्हा और छाता वगैरह सारा रिपेयर कर लेते हैं। तो जो गांव में पुराने हैं, ख़राब हो गए हैं, तो उनको गाँव में जा जा करके रिपेयर
आगे जा रहे हैं गांव का खेत, खेत से रास्ता निकला हुआ है तो हम इधर से जा रहे हैं अभी और जा रहे हैं और गांव का नजारा दिखाएंगे आप लोग को हम लोग और हमारा गांव कैसा है। हम इधर से जा रहे हैं तो आप हम दिखाएंगे हमारा गांव कैसे। यहां से खड़ंजा निकलता है, खड़ंजा नहीं है कच्ची है, कच्ची रोड अब थोड़ा गांव से जोड़ दिए हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन पहले ऐसा मेड़ का रास्ता था जिससे गाड़ी आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम थी। अभी भी फोर व्हीलर तो नहीं आ पाती है लेकिन साइकिल से और गाड़ी से लोग आते जाते हैं। और ये रहा सामने का गांव, उल्टा हो गया जाने नहीं पड़ गया रनवे दबाव की गिट्टी की तरह। हेलो भाई, तो हम अपना गांव पार हो चुके हैं और हमारे एरिया भी ऐसा था, हम आपको दिखाया लगाओ गए हैं, फूट भी रहा है, तैयार होने में ज्यादा देरी नहीं है। नया चावल आप सभी लोगों के पास तक बहुत जल्दी ही पहुंचाएंगे हम लोग। खोल करके अभी दुकान में बैठ गए हैं और काफी प्यास भी लग रही थी और मुकुंद भाई और हम दोनों लोग ये देखो अभी आम का रस पी रहे हैं। पका आम आया था उसमें गारा गया है, ये बोतल में पके आम थे वो नहीं भाई, पेड़ वाला नहीं लाए। देखिए आप सभी को जिस भाई को पीना है कृपया कमेंट कीजिएगा जरूर। किसको आया कंट्रोल लगा लल कब आया तोड़ लाओ। और हम लोग अभी दुकान में बैठे हैं, काफी तेज गर्मी है, बाहर का काफी मस्त नजारा, काफी धूप भी है, बहुत धूप भी है, धूप में चलना बैठना काफी मुश्किल हो रहा है भाई। पार्लर पायो और ये देखिए ताकता है और खाने में काफी स्वादिष्ट है। लेसी कंपनी का पास्ता है, ज़्यादातर हम लेसी कंपनी का ही पास्ता रखते हैं और हमारे पास जो भी लेकिस्टिक कुरकुरे भी है वो भी ब्रांड है, लेसी का ही है, इसको स्वाद काफ़ी ज़बरदस्त होता है। हेलो गाइज, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।